ओम बागेश्वराय नमः। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपसे बागेश्वर धाम ना जाने की बने तो घर पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण लाभ मिलने लगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह पूर्ण हो जाए। और हाँ, अगर आप अपने घर पर यह उपाय नहीं करते हैं तो यकीन मानिए, आप बागेश्वर धाम जाकर भी आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि अगर जो नियम हैं उनका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पूर्ण फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा पानी ही है तो यह नियम करना ही पड़ेंगे। महाराज जी ने जो पहला नियम बताया है वो यह है कि आपको मांस मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। वो जो दूसरा नियम बताया है कि रोज सुबह नहा धोकर सन्यासी बाबा के नाम की आहुति देनी है और आहुति में पंचमेवा वो जौतिल्ली चावल शक्कर और घी की देनी है और एक माला बागेश्वर बालाजी के नाम की जपनी है और अपने घर पर बालाजी का झंडा लगाना है और अपने घर के आगे ओम बागेश्वराय लिखना है। और जब आपसे बन सके या बागेश्वर धाम जाने में सक्षम हो जाए तब बागेश्वर धाम जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई दुखी दरिद्र हैं तो उसे बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर जो आपने आहुति दी थी वो उसकी भस्म बनती है, उसमें से एक चुटकी भभूति रोगी को खिलानी है। ऐसा करने से रोगी को लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें।